किसान भाइयों, सरल फार्मिंग चैनल पर आपको तरह तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी, चाहे वो रोटावेटर की हो, चाहे वो सोलर पैनल की हो, चाहे वो गन्ने की वीडियो हो, गन्ने की पूरी डिटेल्स के साथ में वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी, और चाहे सरसों की फसल हो, गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो आपको तरह तरह की कैटेगरी के हिसाब से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, अभी स्क्रीन पे जो गन्ना दिख रहा है, ये जो वैरायटी दिख रही है, ये सन 2010 में करनाल के द्वारा उत्तर प्रदेश में लाई गई थी और यहाँ के किसानों ने इसे लगाया था अपने खेतों में। किसान भाइयों, आज ऐसे ही किसान से आपको मिलवाएंगे जो कि 0239 वैरायटी को ही लगाए चला आ रहा है प्रक्रियाबद्ध तरीके से। जब मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ फील्ड में, तो पता चला कि ये जो बंदा है पिछले कई वर्षों से इसी वैरायटी को लगा रहा है, कोई और वैरायटी इसने अपने खेत में नहीं लगाई। सुखाव की अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों, सूखने की, तो इसमें बहुत कम 1 से 2% ही गन्ना सूखा मिला था। वो किस वजह से मिला था ये मुझे नहीं पता। इस गन्ने में लाल सड़न रोग जो है किसान भाइयों, बहुत कम देखने को मिला है, और वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और हम इस वैरायटी को शुरू से और आखिर तक कैसे तैयार किया किसान ने, उसके बारे में किसान से खुद पूछते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्क्रीन पैनल पर दिखाते हैं किसान से चर्चा जो हुई है हमारी, वो क्या हुई है। नाम है ग्राम गुंचैया, अब 39 गन्ना है। अच्छा, 39 वैरायटी है। हाँ, तो इस गन्ने में ओवरऑल अभी तक आपने कितनी मेहनत करी? मेहनत भैया हमने हर पानी खोद लगाई है, हर पानी पे खोद डाली। हाँ, और जब आपने गन्ने की बुआई करी थी तो उस समय आपने इसमें जड़ में क्या डाला था? आपने जड़ में NPK और दवाई है। अच्छा, रीजेंट वगैरह डाली थी। हाँ, और कुछ भी लगाया था? ना, दो चीज़ें ही केवल। हाँ हाँ, उसके बाद फिर पानी लगाया होगा? पानी लगाया। हाँ, पानी लगा के फिर स्प्रे मारी दवाई की। अच्छा अच्छा, पीका वाली। हाँ, इंसेक्टिसाइड। हाँ, हाँ, कीड़े वाली होती उसकी। उसके बाद पानी लगाया? फिर यूरिया डाली। हाँ, हल्की सी। हाँ, और फिर उसके बाद गोड़ लाई। हाँ, फिर खोदो। अच्छा, खोद के बाद फिर पानी लगाओ। ठीक, फिर भाई NPK भाई। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर कोराजिन लगाइए। कोराजिन भी डाली? हाँ। कोराजिन कितने पानी के बाद डाल दिया आपने? लगभग तीन चार पानी के बाद लगाइए। तीन चार पानी। हाँ, नीचे से पोगे निकला है? हाँ, खूब तैयार हुई। अच्छा, तैयार हो गया। खूब। कितने सालों से इस गन्ने को कर रहे हैं? अरे हमारे कम से कम 5-6 यहाँ गन्ना हमारे जब आओ। हाँ, तो जय बहुत। अच्छा। हाँ, जब से ये 5-6 वर्षों से यही गन्ना। हाँ, बराबर बो रहे हैं जय। हाँ, और कोई इस एरिया में कोई वैरायटी आपको मिल नहीं रही है? नहीं, अभी नहीं। यहाँ नहीं है, यहाँ कोई वैरायटी है ही नहीं। अभी ना, 39 ही है केवल। हाँ, 39 और 38। हाँ, 38 है या यहाँ पे कहीं पे कोई सूख रहा है क्या? 38 यहाँ बनाया है। अच्छा अच्छा, और लोग 18 बो है पिछले साल। अच्छा, 18 भी लेके आए हैं कुछ लोग। हाँ, जो सामने ठाणो सामने जो। हाँ हाँ, 18 है। अच्छा, हाँ, तो इससे जो है आप थोड़ा बहुत ठीक है, संतुष्ट हैं इस गन्ने से? हाँ, तो समझो जैसा है, सूखा है ना, बस से अब सूखे नहीं तो। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, पैदावार कितनी ले लेते हैं हम? 80 कुंटल। 80 कुंटल बीघे के हिसाब से पैदावार? हाँ, पिछले कई वर्षों से लगातार कर रहे हैं फिर भी इतनी पैदावार। हाँ, 80 कुंटल खट। तो जानकारी आपने लगभग मेरे किसान भाइयों को अच्छी दे दी। चलिए, धन्यवाद। तो किसान ने जिस तरीके से, जिस प्रकार से गन्ने को तैयार किया है, वो यही मेथड था। किसान भाइयों, इस गन्ने को लगाने से पहले मैं बता दूं, इस गन्ने की पैदावार सब गन्नों से अच्छी है। 0238 के बाद 0239 वैरायटी बहुत अच्छी है पैदावार के लिए, बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कैसे बोना है। इसकी एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा 0239 की, कि किस तरीके से हम बुआई करेंगे जो हमारा गन्ना बिल्कुल ना सूखे। क्योंकि किसान भाइयों, मैं खुद इस गन्ने को कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, और अगर मैं इसकी बुआई करता हूं तो मैं पूरी डिटेल्स के साथ आपको एक वीडियो दूंगा। तो आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल गई होगी किसान भाइयों। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।